राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक, आगामी लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। जयपुर में आज से शुरू होगी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी और अमित शाह भी करेंगे शिरकत। इंडिया गठबंधन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, नीतीश कुमार होंगे गठबंधन के संयोजक, औपचारिक ऐलान बाकी। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की रणनीति, सूत्रों के अनुसार कई मंत्री और राज्यसभा सांसद लड़ सकते हैं चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीयूष गोयल भी चुनाव लड़ने की संभावना है उनकी, सूत्रों के अनुसार अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान भी लड़ सकते हैं चुनाव। कल होगी बीजेपी महासचिवों की बैठक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर होगी चर्चा। दिल्ली में भीषण सर्दी का कहर है जारी, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है ठंड। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड का प्रकोप जारी, श्रीनगर में मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज, हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर है जारी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, आने जाने वाले रास्ते को भी बंद किया। अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप लाइन खबरें रफ्तार के साथ। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की दिल्ली में हुई बड़ी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, प्रियंका समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी में रणनीति पर हुआ मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील है ताकि सभी मतभेदों को बुलाकर एकजुट हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के नाम में बदलाव, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा इसका नाम, 14 जनवरी से शुरू होगी यात्रा। ईडी के तीसरे समन पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, बोले प्रचार से रोकने की साजिश है ये, आप बोली ईडी के पास पूछने के लिए सवाल ही नहीं। गिरफ्तारी की आशंका के बीच गुजरात के दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। ईडी के समन को लेकर सीएम केजरीवाल ने उठाए सवाल, पूछा भ्रष्टाचार हुआ तो पैसा कहां गया। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा जांच से घबरा रहे हैं भ्रष्टाचारी। शरद पवार ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, कहा कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं, सरकार कैसे बनेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा रामलला की जिस मूर्ति पर था झगड़ा वो कहां है, बीजेपी ने बताया राम विद्रोही। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश की टॉप लाइन खबरों पर। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, इतिहास में बदलाव की ऐसी रफ्तार कम ही दिखी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति आज नीलाम होगी, मुंबई के रत्नागिरी इलाके में नीलामी होगी। दिल्ली पुलिस को 26 जनवरी से पहले बड़ी कामयाबी, 10 लाख का इनामी आतंकी जावेद मट्टू गिरफ्तार। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बाबा बागेश्वर, राम मंदिर का संकल्प पूरा हुआ, काशी मथुरा पर विवाद नहीं संवाद हो। बाबा बागेश्वर का ओवैसी परिवार, कहा हमने मक्का मदीना पर कभी सवाल नहीं उठाए, उनके अंदर अभी भी जहर भरा हुआ है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज होगी सुनवाई, पूजा के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। वाराणसी में ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला, आज जिला अदालत में होगी सुनवाई। खड़गे सोनिया के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने पर सस्पेंस है बरकरार, कांग्रेस नेता जयराम ने यह कहा है कि सही समय आने पर बताएंगे। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान आया सामने, कहा अयोध्या में 3 मंजिला राम मंदिर का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा।